हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज मैं ये टॉपिक ले पाई हूँ। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुकी थी, लेकिन कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो बोल रहे थे कि मैम इस पे अनदर ब्रांड पे आप हमारे साथ कोई वीडियो शेयर करें, बिकॉज बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किस पे कौन सी चीज़ सूट करती है। तो जी हाँ, बहुत ही टाइम लगा मुझे इस वीडियो में, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसे अपने में ट्राई करती हूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों से उस चीज़ का शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ को लेते हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, और आपने देखा दीपावली थी, डाइट पूरी तरह से डाइट की जो है तहस नहस मची हुई थी, ना जिम ना कुछ, वर्कआउट भी 10 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ एक ऐसी है जिसे मैं कंटिन्यू लेती रही और वेट जो है मेरा घटता ही चला गया। इवन मतलब काफ़ी अच्छा इसने वर्क किया। तो इसीलिए क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मेरे चैनल पर कभी कोई फेक चीज़ नहीं आती है, कभी कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट मार्केट्स में प्रोडक्ट आया उसे उठाया और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो किसी भी चीज़ को जब मैं अच्छे से जांच लेती हूँ, परख लेती हूँ, उसके बारे में रिसर्च कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं आप लोगों से उस चीज़ के लिए साथ ही शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एलोइना का ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी जो है ग्रीन कॉफ़ी पाउडर नहीं जो है प्रिफर करती हूँ, हमेशा बीन्स प्रिफर करती हूँ। बिकॉज चीज़ को जब हम अपने सामने ब्लेंड करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मन को सुकून देता है कि 100% शुद्ध है। पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं पाउडर को कभी भी जो है मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप पाउडर यूज़ करें, बिकॉज जैसे आप घर में लाके खड़े मसाले यूज़ करते हैं, इवन गरम मसाला खड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हम प्योर चीज़ ले रहे हैं। सेम मेरे साथ ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के साथ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है और आई थिंक आप लोगों की भी पर्सनल फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए कि जब भी ग्रीन कॉफ़ी लेने का प्लान करें हमेशा बीन्स लें। ब्रांड की बात करूँ तो मुझे लेते हुए इसे 15 दिन हो चुका है, और इवन मैंने डाइट भी कोई नहीं की, मिठाई भी खूब खाई, एक्सरसाइज भी नहीं की, लेकिन फिर भी मेरा वेट जो है वो लूज हुआ है और बढ़ा नहीं। इवन दिवाली में या दीपावली में लोगों के साथ क्या हो जाता है कि वेट गेन करके बैठ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगर आप इसको कंटिन्यू लेंगे, यहाँ पे मैं बात दिवाली की नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल डे में भी अगर आप इसे रेगुलर लेंगे, इवन उस समय तो आप इतना मीठा भी नहीं खा रहे होंगे, तो कितना अच्छा वेट लॉस होगा। तो इसे बनाना कैसे है, और हाँ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा ग्रीन कॉफ़ी प्रेफर क्यों करती हूँ, बिकॉज ग्रीन कॉफ़ी में भर भर के क्लोरोजेनिक एसिड होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड नहीं होता है, होता है, लेकिन ये जो है जस्ट पेड़ से तोड़ी जाती हैं और सुखा के आप लोगों के सामने सर्व की जाती है, इन्हें रोस्ट नहीं किया जाता है। वो जो कॉफ़ी हमारे पास ब्लैक वाली आती है उसे रोस्ट किया जाता है, तो उसका जो क्लोरोजेनिक एसिड के एक्सट्रैक्ट होते हैं वो मर जाते हैं, होता उसमें भी है लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें क्लोरोजेनिक एसिड नहीं होता है। लेकिन ये जो ग्रीन कॉफ़ी है, जो मैं आपको एलोइना का ग्रीन कॉफ़ी बता रही हूँ, भर भर के क्लोरोजेनिक एसिड है। और ये क्लोरोजेनिक एसिड करता क्या है, ये जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल है उसे माइनस करता है, यानी कि आप जो कुछ भी खा रहे हो, देखिए अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो ग्लूकोज आपको मिल ही रहा है, उससे आप मीठा खा रहे हो वो भी आपकी बॉडी में चर्बी बन रही है, तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, उसे जस्ट एट इट इज ही उसे आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। मुझसे बहुत से लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि सुगम आप बाद में या पहले कब लेना है, क्योंकि मैं हमेशा से ही आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ही लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट लीजिए 15 मिनट बाद ग्रीन कॉफ़ी लीजिए, लंच लीजिए 15 मिनट बाद ग्रीन कॉफ़ी लीजिए, डिनर लीजिए 15 मिनट बाद ग्रीन कॉफ़ी लीजिए, और इफ़ेक्ट देखिए, ऑसम से भी ऑसम इसका इफेक्ट है, बिकॉज ये आपकी बॉडी में
जो भी कुछ खा रहे हो उसके स्ट्रैक या उसकी चर्बी बनने ही नहीं दे रही, उसे तुरंत का तुरंत ही फ्लश आउट करेगी आपकी बॉडी से। तो इसे कैसे बनाना है, क्या लेना है, इसका प्राइस कैसा है, एक छोटा सा रिव्यू दूंगी, साथ ही साथ इसे बनाना कैसे है ये भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है एलोइना का ग्रीन कॉफी अनरोस्टेड कॉफी बीन्स है और 250 ग्राम के पैकेजिंग में आता है। प्राइस है 299 और सब कुछ दिया हुआ है कि क्रश एंड ग्राइंड द ग्रीन कॉफी बीन्स, इस तरह से आप इसे बनाइए, कैसे यूज करना है, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया है और बनाने का तरीका आगे बताऊंगी कि किस तरह से यूज करना है। तो एक चीज मैं बताऊं कि आपको जब पेड़ पे होता है तो ये इस तरह से होता है और जब ये सूखा दिया जाता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। और ठीक है, ये ग्रीन कलर की कॉफी आपको मिलती है। इसके बाद जो ब्लैक कलर की कॉफी हो जाती है उसे रोस्ट कर दिया जाता है तो वो आपको सर्व होती है, जो आप कॉफी कह के पीते हैं। लेकिन ये जो है इस तरह के फॉर्म में से अंदर ग्रीन कॉफी बीन्स अवेलेबल है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है ये इस तरह के सीड्स में होती हैं। तो आपको जस्ट जैसे मैंने आपको दिखाया था पैकेट में, तो आपको जैसे इसे ग्राइंड करना है। ये अनरोस्टेड है, जस्ट पेड़ से तोड़ी हुई है, सुखा के आपको सर्व कर दी गई हैं। तो इसे ग्राइंड करना है देन कॉफ़ी बनाना है। तो चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। तो इसे ऐसे अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, चाहे जितना भी पीसेंगे इससे ज़्यादा महीन नहीं होने वाला है। आपको एक एयर टाइट कंटेनर में इसे जो है वो रख देना है। तो मेरे पास एक एयर टाइट कंटेनर पड़ा था तो मैंने इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ। और देन उसके बाद चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने में कुछ भी नहीं है, जस्ट आप जो हाफ कप या हाफ ग्लास पानी लीजिए, उसके बाद इसमें आपको हाफ टेबल स्पून ग्रीन कॉफ़ी बीन्स डालनी है पीसी हुई और इसे गरम करना है, बॉयल करना है। अच्छे से बॉयल करिए 1 से 2 मिनट तक, ताकि इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें आ जाए, कॉफ़ी ग्रीन हो जाएगी ऑलरेडी, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको इसे छान लेना है और सुबह अपने ब्रेकफास्ट के बाद, आपको लंच के बाद एंड डिनर के बाद इसे पीना है। टेस्ट टेस्टलेस है, कोई भी इसका टेस्ट नहीं है, तो आप पी सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और बनाने का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस की जरूरत है, जस्ट पानी में डाल के बॉयल करना है। आप ऑफिस में भी ले जाके इसे रख सकते हैं, गर्म पानी लिया, ये आपने पाउडर डाला और रख दिया 10 मिनट, देन उसके बाद पी सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए, इंजॉय करिए और देखिए वेट मैनेज करना, वेट लॉस करना अब चुटकियों का काम है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखा इसे बनाना कैसे है, कैसे लेना है, किस तरह ये वर्क करता है। जिन जिन को भी परचेज करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मार्केट के हिसाब से ये काफ़ी सस्ती भी है, बिकॉज अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 2,500, 3,000, 4,000, इवन 10,000 के लोग को ग्रीन कॉफ़ी परचेज करें। मेरी एक फ्रेंड है, वो काफ़ी महंगी उसने ग्रीन कॉफ़ी परचेज़ की, लेकिन जब मैंने उसे इसके बारे में बताया तो उसने भी ये चीज़ परचेज़ की। तो एक बार लिंक पर जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। और इसका जो सबसे अच्छी बात है, इसकी जो पैकेजिंग हुई है वो अभी अक्टूबर में हुई है, तो बिल्कुल फ्रेश है ये वाला बैच, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे दे दिया है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।